से आशिफ भाई ने पार्टी इंस्ट्रूमेंट की है, एक नई ताकत शहर में उभर रही है। हमें लगता है कि उनकी कैदत ने शहर पूरा राष्ट्रवादी में बनाएगी। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊ या साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे मालेगांव शहर जिला के सदर आसिफ साहब के कयादत में समाजवादी पार्टी के सदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। उनके साथ और कई साथी पार्टी में आए। मालेगांव में पार्टी जब से आसिफ भाई ने पार्टी इंस्ट्रूमेंट की है, एक नई ताकत शहर में उभर रही है। हमें लगता है कि उनकी कैदत ने शहर पूरा राष्ट्रवादी में बनाएगी। पूरी ताकत से सभी पार्टी के नेताओं के साथ रहे। सरकार का हिस्सा होने की वजह से जो भी मसाइल है उनके जरिए हम पूरी तरह से हल करने का वादा करते हैं। आज मालेगांव शहर समाजवादी पार्टी के जो सदर थे शहीद मंसूरी साहब, जैनुद्दीन मंसूरी साहब मरहूम के भाई, और उनके तमाम ही साथी आज मुंबई में राष्ट्रवादी भवन में नवाब मलिक साहब अल्पसंख्यक मंत्री उनके हाथों से आज इनका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर इस्तकबाल हुआ, प्रवेश हुआ। यकीनन मैं मालेगांव से ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही अहदेदारान, तमाम ही कार्यकर्ताओं की तरफ से इनका इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमें उम्मीद है कि मालेगांव शहर के अंदर मरहूम जैनुद्दीन मंसूरी साहब, उनका जो सामाजिक खिदमत जो पूरे शहर के लिए रही, एक काम उनका नहीं, कई हजारों काम हम बता सकते थे, उन्होंने समाज के लिए, कौम के लिए, शहर के लिए किया। लेकिन कोरोना के वजह से खिदमत करते हुए उनका इंतकाल हुआ, और उनके मिशन को आगे लेकर चलने का काम शरीफ भाई और उनके तमाम ही साथियों ने, दोस्तों ने किया। मुझे पूरा यकीन है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शरीफ भाई और उनके तमाम ही साथी, उनके नौजवान साथी जो आए हैं, जरूर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर के अंदर मजबूत होगी। और हम पूरा सपोर्ट शरीफ भाई और इनके तमाम ही नौजवान साथियों के साथ हमारा रहेगा, पार्टी इनके साथ खड़े रहेगी। चाहे वार्ड की बात हो, चाहे शहर की बात हो, जो भी ये काम करेंगे, सोशल काम करेंगे, समाजी काम करेंगे, आवाम के, गरीबों के मसाइल हल करेंगे, हम लोग मजबूती के साथ इनके साथ खड़े रहेंगे। और आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह इनको इनके मुकाम के हिसाब से, उनके रुतबे के हिसाब से ज़रूर पार्टी जिम्मेदारी देगी। ये हमारा अपना मशवरा तय हुआ है पार्टी के तरफ से। आज मैं वापस इनको मुबारकबाद देता हूँ, और इंशाअल्लाह जो उम्मीद है ज़रूर हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे। शरद पवार साहब के विचार, राष्ट्रवादी पार्टी की सोच, नवाब मलिक साहब और हमारे तमाम ही अजीत दादा पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, तमाम ही मंत्रीगण, सरकार शहर के साथ खड़ी हुई है। शहर का विकास डेवलप के अंदर कोई कमी नहीं होने देगी, इस तरीके का वादा नवाब मलिक साहब ने भी किया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सरकार का शुक्रिया। मैं शरीफ मंसूरी, जिस तरह मालेगांव शहर के अंदर जब से शेख आसिफ साहब को राष्ट्रवादी पार्टी से सदारत का अहदा जब से दिया गया है, तब से लेकर अभी तक माशाल्लाह शहर के अंदर बहुत कुछ हलचल है और शहर के अंदर एक नई उमंग पैदा हुई है। लेकिन शहर के अंदर जो हमने
और हमारे भाई मरहूम जैनुद्दीन मंसूरी साहब ने जो मेहनतें की थी, आज उस मेहनत का फल शेख आसिफ साहब ने के साथ जाने से मिलने वाला है। जो हमने राष्ट्रवादी पार्टी को ज्वाइन किया, हमने इसलिए ज्वाइन किया कि शेख आसिफ साहब जिस तरह शहर के अंदर काम करने में माशाल्लाह उनके तमामी काम आप देखेंगे उठाकर के तमामी ऐसे काम हैं शहर के शहर के मुस्तकबिल के लिए किए गए हैं। लेकिन आज हमें ज़रूरत है हमारे लीडर का साथ देने की और हमारे शहर को बेहतर बनाने की, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी को इस्तीफ़ा देकर हमने शेख आसिफ साहब के हाथों को मजबूत करने का इरादा कर लिया है। इंशाल्लाह हम शेख आसिफ साहब के शाना बसाना रहेंगे और उनके साथ ही मिलकर पार्टी का काम आगे बढ़ाएंगे।